Hello friends, very sweet and pleasant good morning. This is Ashok Kumar Mahato before you and welcome back to my channel guys. So प्यारे दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कुछ ऐसे वाक्य जो हमेशा बोलचाल में बहुत उपयोग होता है और ये सारे सेंटेंसेस आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने में मदद करेगी. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. मेरा पहला वाक्य है, यह तो बहुत महंगा है. हमेशा बोलते हैं यह तो बहुत महंगा है भाई, थोड़ा सा कम कीजिए दाम. तो दिस इज टू एक्सपेंसिव. कैसे बोलेंगे? दिस इज टू एक्सपेंसिव, दिस इज वेरी कॉस्टली. अगर ऐसा भी बोलेंगे तो चलेगा. अगला वाक्य है, क्या कुछ छूट मिलेगी? कुड यू गिव अ डिस्काउंट? कुड यू गिव अ डिस्काउंट? कुड यू गिव अ डिस्काउंट प्लीज? इस तरह से हम लोग बोलेंगे. तो चलिए अगला वाक्य देख लेते हैं. ठीक ठीक दाम लगाओ. Caught a fair price. बोलते हैं caught a fair price. मैं अक्सर यहां से माल लेकर जाता हूं. मैं अक्सर यहां से माल लेकर जाता हूं. इसका मतलब I am your regular customer. I am your regular customer. ऐसे बोलते हैं I am your regular customer. तो इस तरह से बहुत सारा वाक्य मिलेंगे आपको. प्रैक्टिस करते रहिए. चलिए दोस्तों अगला वाक्य हम लोग देख लेते हैं. अगला वाक्य ये रहा आपके सामने, अचानक तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? तो अचानक तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ, ये बोलते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर सडनली. व्हाट ब्रिंग्स यू हियर सडनली. अगला वाक्य है, उसमें हिम्मत की कमी है. कभी कभी बोलते हैं दोस्तों उसमें हिम्मत की कमी है, तो ही लैक्स करेज. क्या बोलेंगे? ही लैक्स करेज. उसमें हिम्मत की कमी है, ही लैक्स करेज. ओके गाइज, so let's start to have a next sentence. Next sentence is here, कोई सा भी चलेगा. यानी कभी कभी ऐसा होता है कि दो चार हैं तो कौन लेगा तुम, तो कोई सा भी चलेगा. Anything will do. Anything will do. दाल में कुछ काला है. अगला वाक्य क्या है दोस्तों? दाल में कुछ काला है. There is something wrong in the matter. There is something wrong in the matter. There is something wrong in the matter. इस तरह से मेरा अगला वाक्य है दोस्तों, यह भूल भुलैया है. यानी यह भूल भुलैया है, कभी कभी बोलते हैं यह भूल भुलैया है, तो दिस इज लेबिरिंथ. क्या बोलेंगे? दिस इज लेबिरिंथ, इजंट इट? दिस इज लेबिरिंथ. और उसके बाद वह पेटू है. अगला वाक्य, तो ही इज अ ग्लूटन. ही इज अ ग्लूटन. ही इज अ ग्लूटन. दोस्तों इस प्रकार से इन सारे वाक्यों को प्रयोग करिए, खूब बोलिए इंग्लिश. मेरा अगला वाक्य है, आपका फोन नहीं लग रहा है. यानी कभी कभी बहुत बार फोन लगाने के बाद भी नहीं लगता है, तो इसके लिए सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, आपका फोन नहीं लग रहा है. योर फोन इज नॉट कनेक्टिंग. कैसे बोलेंगे यारो? योर फोन इज नॉट कनेक्टिंग. अगला वाक्य देख लेते हैं, मैं ही तो हूं जिसने आपको पढ़ाया. इट्स आई हु टॉट यू. इट्स आई हु टॉट यू. इट्स आई हु टॉट यू. चलिए दोस्तों अगला वाक्य देखते हैं, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा. कभी कभी ऐसा बोला जाता है, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू. आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू. मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा. आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू. फिर दोस्तों अगला वाक्य है, भगवान न करे. कभी कभी ऐसा बोलते हैं, भगवान न करे, गॉड फॉरबिड. कैसे बोलेंगे? गॉड फॉरबिड. तो इन सारे वाक्यों को खूब पढ़िए. चलिए अगला वाक्य देख लेते हैं, यह मेरी शान के खिलाफ है. कभी कभी बोला जाता है यह मेरी शान के खिलाफ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता. तो इट्स बिलो माय डिग्निटी. इट्स बिलो माय डिग्निटी. मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे शान के खिलाफ है. तो मेरे शान के खिलाफ है, इट्स बिलो माय डिग्निटी. अगला वाक्य दोस्तों, भगदड़ में 10 लोग मारे गए. 10 पीपल वेयर किल्ड इन अ स्टैम्पेड. 10 पीपल वेयर किल्ड इन अ स्टैम्पेड. चलिए अगला वाक्य देख लेते हैं, वह मुझे ताना मारता है. कभी कभी बोलते हैं ना कि वह मुझे ताना मारता है, तो ही इज टॉन्टिंग मी. वह मुझे ताना मार रहा है, ही इज टॉन्टिंग मी. अगर वह ताना मारता है तो ही टॉन्ट्स मी. ही टॉन्ट्स मी. अगला वाक्य देख लेते हैं, वह अब कैसा है. हाउ इज ही नाउ. अब वह कैसा है. हाउ इज ही नाउ. हाउ इज ही नाउ. और अगला वाक्य देखते हैं दोस्तों,
तुम अपने फायदे के लिए मामले को दबा रहे हो। कभी कभी ऐसा कहा जाता है, तुम अपने फायदे के लिए मामले को दबा रहे हो। यू आर हसिंग अप द मैटर फॉर योर ओन एडवांटेज, यू आर हसिंग अप द मैटर ऑफ योर फॉर योर ओन एडवांटेज, यू आर हसिंग अप द मैटर फॉर योर ओन एडवांटेज। दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।